हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। आप देख रहे थे देश और दुनिया की हर बड़ी खबर, और अब खबर देश की आर्थिक राजधानी मुंबई से है, जहां नई शुरुआत हुई है। मुंबई में रात भर रेस्टोरेंट्स, थिएटर, मॉल खुले रहने की योजना की शुरुआत हो गई है। मुंबई में नाइट लाइफ की पहली रात कैसी रही, देखिए इस रिपोर्ट में। वर्ली सीफेस से मरीन ड्राइव तक, नरीमन पॉइंट से लेकर लोअर परेल तक, बीती रात नाइट लाइफ के फर्स्ट शो के लिए मुंबईकर घरों से बाहर निकले। मुंबई की दौड़ती भागती लाइफ में नए बदलाव को लोग एंजॉय करते दिखे। मरीन ड्राइव किसी और रात के मुकाबले ज्यादा गुलजार दिखा, तो सड़कों पर भी गाड़ियों की संख्या ज्यादा रही। नाइट लाइफ अगर शुरू हो जाए तो हम लोग रात को 2 बजे तक घूम सकते हैं, 3 बजे तक घूम सकते हैं, और पब में जाना पसंद करूंगी। और ये तो बहुत अच्छा जगह है, यहाँ पर बैठने से बहुत अच्छा लगता है। काम खत्म होते होते 7-8 बज जाते हैं, फिर हम लोग घर जाके फ्रेशन अप होते हैं, तब तक 10 बज जाता है। सो वी नीड प्लेसेस के जहाँ पे हम लोग 12-1 बजे तक एंजॉय कर सके। और अगर जहाँ तक पहले का सवाल, तब 1 बजे सब कुछ क्लोज हो जाता था, फिर जब 24/7 हो चुका है, 4-5 आवर्स मतलब हम लोग के पास एंजॉय करने के लिए हो जाता है। नाइट लाइफ की शुरुआत से कामकाजी लोग बेहद खुश हैं। कब तक शॉपिंग कर सकते थे इसके पहले, और अब कब तक कर सकते हैं? पहले 8 बजे तक कर सकते थे, अभी 12-1 बजे तक कर सकते हैं। तो इट्स फॉर गुड फॉर अस, क्योंकि हमारा शॉप ही बंद होता है लेट, तो हमारे लिए ये आज का दिन ऐसा था कि 10 बजे के बाद हम लोग आए और शॉपिंग करके गए। तो मतलब आज नाइट लाइफ का जो है पहली रात है, ऐसे हम कह सकते हैं। फोनिक्स मॉल ये बड़ा मॉल है, ऐसे कई मॉल है मुंबई में, तो क्या चाहेंगे मुंबईकर के तौर पे, इस प्रकार की नाइट लाइफ अच्छी है, क्या समझते हैं आप? एक्चुअली बहुत अच्छी है, सर्विस क्लास और बिजनेस क्लास पीपल के लिए तो बहुत अच्छी है। दिन में शॉपिंग का टाइम नहीं मिलता है, तो रात को अच्छा शांति से शॉपिंग होता है विदाउट एनी मोर ट्रैफिक देयर इनसाइड। इट इज ब्यूटीफुल, वी लव दिस मूव फ्रॉम द गवर्नमेंट। हालांकि ट्रांसपोर्ट और सुरक्षा जैसे मुद्दे हैं जिसे बेहतर किए बगैर नाइट लाइफ की ये योजना कामयाब नहीं हो सकती। महिलाओं के सुरक्षा के लिए कौन से इंतजाम होने चाहिए, किस प्रकार की सुरक्षा होनी चाहिए, आपको क्या लगता है? तो फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, और बहुत सारी अवेयरनेस होना चाहिए, और बहुत सारा पुलिस को भी बहुत सारे इनिशिएटिव लेने चाहिए ताकि वुमेन्स आर सेफ। एट द एंड ऑफ द डे एक प्रॉब्लम हम इन्वाइट नहीं कर रहे हैं, और हम ये चीज़ बहुत पॉजिटिव लेवल पे ले रहे हैं, तो फिर इसका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट ना हो और सोसाइटी इस चीज़ का 100% पॉजिटिव वे में यूज कर सके, वैसा दैट इज व्हाट हम सबको देखना चाहिए। योजना की पहली रात कई मॉल और रेस्टोरेंट ऐसे थे जो बंद रहे। लोअर परेल इलाके में एबीपी न्यूज संवाददाता मानश्री पाठक की नवी मुंबई के रहने वाले शर्मा फैमिली से मुलाकात हुई, जो देर रात खाना खाने एक रेस्टोरेंट पहुंचे, लेकिन वो तय समय पर ही बंद हो गया। बिकॉज यूजुअली जो टाइमिंग है उसी टाइमिंग पे क्लोज किया है। सबसे बड़ा डिसअपॉइंटमेंट खाना है, बिकॉज खाने के लिए लोग बाहर आते हैं, और मुंबई में इसीलिए सैटरडे संडे कोई खाना नहीं बनाना चाहता घर पे, इसीलिए वो बाहर आके खाना खाना चाहते हैं। तो ठीक है, फर्स्ट डे एक्सपेक्टेशन ज्यादा थी, लेकिन उस हिसाब से हुआ नहीं, बिकॉज 11:30 का लास्ट ऑर्डर इज नॉट एक्सपेक्टेड फ्रॉम एनीवन। देखते हैं, अभी फर्स्ट डे है, लेकिन प्रिपरेशन आई गेस उनकी होगी नहीं उतनी जिस तरह से होनी चाहिए थी, सो नेक्स्ट वीक देखते हैं अगर क्या होता है। तो नाइट लाइफ योजना को शुरू करने में महाराष्ट्र पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे का बड़ा रोल है। आदित्य का मानना है कि 1 महीने में सब कुछ पटरी पर होगा। सरकार को उम्मीद है कि इस योजना से एक ओर जहां राजस्व में इजाफा होगा, वहीं अगले 3 साल में 5 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। तो भी जैसे अभी हम रात के 1-2 बजे के बाद भाड़ा 12-1 बजे के बाद नहीं मिलता है, अगर सुबह तक मारेंगे तो 100-200-300 और बढ़ेगा ना। आप मुझे बताइए कि इन्होंने बताया कि 200-300 रुपए की कमाई जरा ज्यादा हो जाएगी, आपकी कितनी कमाई हो सकती है ज्यादा? उतना हम 300-400 हमारा भी हो सकता है ज्यादा मैडम। उद्धव सरकार ने योजना की शुरुआत में 25 मॉल्स को 24 घंटे खुले रखने की अनुमति दी है। हालांकि पब और बार इस योजना में शामिल नहीं है, रिहायशी इलाकों में भी ये योजना लागू नहीं होगी। नाइट लाइफ की आज पहली रात है, और इसीलिए थोड़ा बहुत निराशाजनक ऐसा अनुभव रहा है मुंबईकरों का। हालांकि लोअर परेल का ये फोनिक्स मॉल है जो काफी जाना माना मॉल है, लेकिन इस फोनिक्स मॉल में भी कुछ गिने चुने रेस्टोरेंट्स ही ऐसे हैं जो आज खुले हैं, बाकी सब रेस्टोरेंट्स ये बंद होते हुए हमें नजर आ रहे हैं। कैमरामैन विपुल के साथ मनीष पाठक, एबीपी न्यूज मुंबई।
मैं शेखर कपूर लेके आ रहा हूँ। प्रधानमंत्री सीरीज 2 शनिवार रात 10 बजे।